अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी गुलनाज और आप देख रहे हैं गुलनाज की दुनिया। तो सुबह का आगाज हो चुका है, सुबह के बज रहे हैं 10। हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, यहाँ बन रहा है आलू कीमा का सालन गरम। यहाँ बन रही है चाय, यहाँ दूध गरम हो गया है, यहाँ बन रहे हैं पराठे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे कढ़ाई के पराठे बन रहे हैं यहाँ पे। अब बन रहा है हमारा नाश्ता, अब हम आपसे मिलेंगे नाश्ते के टाइम। देखिए गाइस, कराची का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सुबह के टाइम कराची में आजकल बारिश हो रही है, फजर के बाद से 7 बजे 7:30 बजे तक 8 बजे तक बारिश होती है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हो जाता है। कल भी गर्मी थी दोपहर में, अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। आज लग रहा है बारिश आएगी क्योंकि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है सुबह से। देखते हैं बारिश आएगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए गाइस, हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है, जिसमें है पराठे सफ़ेद आटे के और चक्की के, और उसके बाद है चाय जनाब, और चाय के साथ साथ रोटी भी है अम्मी की, और आलू मटर का सालन है जो बहुत मज़े का बना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जाके देख सकते हैं आप। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, और आप हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है कुकिंग विद गुलनाज यूट्यूब चैनल। चलिए हम नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं नाश्ते के। वो देखिए परी भी आ गई है नाश्ते पे, क्योंकि इसको भी नाश्ता करना है, ये देख रही है कि मुझे नाश्ता कब मिलेगा। तो चले हम सब नाश्ता करते हैं। देखिए गाइस, हमारे चावल जो है सब हम दमपक पे लगा रहे हैं, जो हमने आलू के बनाए हैं ये दमपक हो रहे हैं, और इसको हमने प्याज भी डाल दिए, हमने फ्राई करके निकाले थे। तो चलें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, उसे अच्छी तरीके से दमपक होने देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे खाना खाने। देखिए गाइस, हमारे आलू के जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं, और हमारे चैनल पे जो हैं वो आलू के चावल की बहुत सी डिफरेंट किस्म की रेसिपी अपलोडेड है, आलू की भी डिफरेंट किस्म की रेसिपी अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे कुकिंग के चैनल पर भी बासानी जाके देख सकते हैं। हमारे कुकिंग के चैनल का नाम है कुकिंग विद गुलनाज यूट्यूब चैनल, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और आप हमारे ब्लॉग में भी देख सकते हैं। हमने बहुत मज़े का आलू का पुलाव बनाया है, और इसके साथ जो है ना वो हमने प्याज भी काटे हैं, क्योंकि चावल के साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं और प्याज भी हम लोग दिन में ही खाते हैं। इस हमारा जो कुकिंग का चैनल है उसमें हमने 47 किस्म की जो डिफरेंट किस्म की बिरयानियां हैं वो हमने अपलोडेड की हुई है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और आपको बासानी हम लिंक भी आपके अपने जो ब्लॉग का है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इन्जॉय कीजिएगा 47 बिरयानियाँ जो है इसको इन्जॉय कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको उसमें से कौन सी बिरयानी जो है वो सबसे अच्छी बनी है आपकी और आपको पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं आपसे लंच करने के बाद। देखिए गाइस, हमने आज 1000 रुपये का सौदा मंगाया है, इसमें आई है पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें, बेसन, हल्दी, और ये पिसा हुआ धनिया, नमक, बाजरा, सर की थैली कपड़े धोने के लिए, और प्याज आए हैं, ये प्याज पाव प्याज हैं जो आए हैं, 50 रुपये के पाव, 200 रुपये किलो प्याज हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं प्याज। पहले 50 रुपये के 2-3 किलो प्याज आ जाते थे, लेकिन अब तो 50 रुपये के पाव प्याज ही आते हैं। और ये आया है सरसों का तेल 1 किलो, और 1 किलो है चीनी। तो ये सामान आया है 1000 रुपये का, ये इतना सा सामान आया है 1000 रुपये का। देखिए गाइस, कराची में मौसम तब्दील हो चुका है, बारिश भी हो रही है, तो ये हमने बनाया है आटे का हलवा जो बहुत मज़े का बना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना है। इसकी रेसिपी जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये हलवा बहुत मज़े का बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, जिसे आटे का हलवा भी कहा जाता है, अफलातून हलवा भी कहा जाता है, और लपटा भी कहा जाता है। आप लोग इसे क्या कहते हैं आप कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। अपने हलवे को इन्जॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हलवा खाने के बाद।
गाइस ये भाई के दोस्त की दोस्त के बेटा हुआ है, तो उनके यहाँ से मिठाई आई है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मिठाई भी दी है, मिठाई है जो आई है वहाँ से। और सब हम खाएंगे खाने के टाइम पर, सब हम खाएंगे खाने के टाइम पर ये मिठाई आई है भाई की दोस्त के यहाँ से। फिर उनके हुआ है लड़का, तो सोचिए भाई मिठाई तो ऐसे खाएंगे फिर आपको मिलेंगे मिठाई। ये गाइस हमारी बिल्ली मिठाई खा रही है जो से भाई के दोस्त के यहाँ से आई थी उनके बेटे होने की खुशी में। हमारी मन्नू भी खा रही है और ये बहुत शौक से मीठा खाती है माशाल्लाह। ये मिठाई खा रही है और मिठाई देंगे हम क्योंकि मीठे की और बहुत ज़्यादा शौक है। देखिए गाइस रात का वक्त हो गया था, रात के खाने में हमने बनाए थे पकोड़े, हमने आलू के और सादे पकोड़े बनाए थे। अगर इसको आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है कुकिंग विद गुलनास यूट्यूब चैनल। और हमने रायता बनाया था, इसकी रेसिपी भी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर ढली हुई है और अच्छे अच्छे रायते की रेसिपी हमारे चैनल पर ढली हुई है। अब करते हैं हम रात के खाने को इन्जॉय, मिलते हैं आपसे आगे। देखिए गाइस रात का वक्त हो रहा है, रात के वक्त पे कराची में हो रही है बारिश। पूरे दिन मौसम ख़राब था, हमने आपको दिखाया था सुबह के ब्लॉग में, पूरे दिन आज मौसम ख़राब रहा और अब बारिश हो रही है। रात को रात के बज रहे हैं 9:15 और ये इस वक्त हो रही है बारिश कराची में। आजकल कराची में बारिश रात में ही हो रही है, दिन में बहुत कम होती है बारिश। और देखें किस तरह तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और बारिश भी हो रही है। गाइस बारिश हो रही थी तो हमने चाय बना ली, चाय हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। बारिश में चाय और पकोड़े खाने का बहुत दिल चाहता है तो इसलिए हमने चाय बना ली है। पकोड़े हम खाने में खा चुके हैं तो हमने चाय बना ली, चाय को इंजॉय करते हैं और बारिश को भी इंजॉय करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग बारिश में क्या क्या बनाते हैं और आप लोगों को खाने में क्या पसंद है और आप बारिश आपके इलाके में हुई या नहीं हुई कराची में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें चाय पीते हैं फिर मिलेंगे आपसे ब्लॉग के एंडिंग में। देखिएगा इस बारिश के साथ ही हम आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।